हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ साहित्यकार मीना रावलानी जी हैं। मीना रावलानी जी से इनके जीवन के बारे में जानेंगे, शिक्षा इनकी कहाँ हुई और कब से इन्होंने साहित्य लेखन की तरफ अपना रुख किया और किसकी प्रेरणा से ये इन्होंने साहित्य का ये काम शुरू किया। आइए बात करते हैं मीना रावलानी जी से। मीना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मीना जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, मूल आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस रूप में आप साहित्य की जो कलम थामी है आपने। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसमें, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर आकर कि मुझे यहाँ पर साहित्य से जुड़े हुए सवालों का जवाब देना है जी। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मैं कोटा की ही रहने वाली हूँ, कोटा में ही मेरा जन्म हुआ है और कोटा में ही मेरी सारी शिक्षा हुई जी। मैंने MA MCOM BEd किया हुआ है और 12 साल से बख्शी स्प्रिंगडेल स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर जी जी। और 2021 से मैंने अपना लेखन शुरू किया। सबसे पहले मैं चार चार पंक्तियाँ लिखती थी जी। कैसे लिखती थी मुझे भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे मेरा उसमें निखार होने लगा क्योंकि मैं पढ़ती बहुत ज़्यादा हूँ जी। पढ़ने से मेरी बहुत ज़्यादा जानकारी बढ़ने लगी और मेरा शौक और ज़्यादा बढ़ने लगा लिखने का। बिल्कुल। तो 2021 से मैं लगातार लेखन में हूँ और कई ऑनलाइन समूहों से जुड़ी हूँ और अब कोटा के ऑफलाइन कवि सम्मेलन में भी मेरा वहाँ पर जाना होता है, वहाँ पर भी मेरा जुड़ना हुआ है जी जी। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस क्षेत्र में अपना उपस्थिति जब मैं दर्ज कराती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ जी। मीना जी, साहित्य लिखना बड़ा कठिन तो है लेकिन इसमें एक आनंद का भाव भी होता है। अब आप शिक्षिका भी हो यानी शिक्षा से आपका ताल्लुकात है, तो ये जो साहित्य आप लिख रहे हो तो इसमें कितना आपको हर्ष महसूस होता है अंदर ही अंदर। हाँ, जब मैं अपना कोई शीर्षक उठाती हूँ या विषय पर उठाती हूँ लिखने के लिए तो सबसे पहले मुझे उस चरित्र में घुसना पड़ता है, पूरा उसमें डूबना पड़ता है जी। कि मैं एक सैनिक पर लिख रही हूँ तो मैं सैनिक के भाव लिखूँगी, मैं एक माँ पर लिख रही हूँ तो एक बेटी का जो अनुभव होता है उस माँ के लिए वो महसूस करती हूँ। तो इस तरह से जब हम कुछ भी लिखते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि हम पहले उन ख्यालों को अपने अंदर डालें, हम उनको महसूस करें, उनके एहसास को जानें, तब हम उन शब्दों को लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा समय लग जाता है कभी कभी, कभी कभी 4-5 दिन भी लग जाते हैं उनको करने में, क्योंकि कोई लाइन आगे करनी है, कोई पंक्ति आपको पीछे करनी है, कोई शब्द आगे करना है, कोई शब्द पीछे करना है, तो कई अर्थ निकलते हैं एक बार में, तो इस तरह से हो जाता है। और अनुभव, हाँ हम बताएं, अनुभव अनुभव बहुत जरूरी है, लिखते रहेंगे तो अनुभव अच्छा होगा और उससे हमारा लिखना भी बहुत अच्छा हो जाएगा जी। वैसे मीना जी, जो साहित्य का भाव आपके मन में कब से जागा और किसके प्रेरणा से आप। यही है कि सबसे पहले मुझे पढ़ने का जो शौक था वो हुआ और मेरी एक ऑनलाइन सहेली बनी सबसे पहले, निवी मिश्रा, वो मेरी प्रतिलिपि ऐप पर ही बनी, उसका मैं पढ़ने लगी तो मैंने फिर उसको बोला कि मुझे भी अब आपकी तरह लिखना है जी जी। तो उन्होंने बोला आप लिखना शुरू करो, हम आपकी मदद करेंगे जी। और उससे मेरी अभी तक भी दोस्ती है, कभी भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है वो मेरा साथ देती है जी। हम मिले नहीं हैं लेकिन 4 सालों से हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा होता है, चाहे आदमी नज़दीक नहीं होता लेकिन दूरी भी अपने को नज़दीकता ला देती है। और अभी तक हम मिले नहीं है लेकिन दूरी लगती नहीं है जी जी जी। उससे साहित्य सृजन का भी एक अलग ही भाव महसूस होता है। मीना जी, आप किस विधा में ज़्यादा लिखती हैं, मतलब जो आपने भाव जो भी संकलन किया वह किन किन विधाओं में आपने लिखना आरंभ किया। सबसे पहले मैंने कविता लिखना ही शुरू किया था, पहले मुझे विद्या का भी ध्यान नहीं था, मैं तो लिखती थी बस कि भाई कैसे लिखना है अपने भावों को, कैसे लिखना है बस ऐसे लिख देती जी जी। फिर धीरे धीरे पढ़ने वाले जो थे, कुछ कुछ ज़्यादा जो अनुभवी थे, महानुभवी थे,
उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुकबंदी जरूरी है। एक तुकबंदी पे पहले सबसे पहले ध्यान गया। हमारे एक काव्यधारा मंच के हैं होस्ट हैं निराला सर जी, उन्होंने मुझे ये इस बात से प्रेरणा दी कि मैम पहले आप इस पे ध्यान दीजिए, तुकबंदी करिए। फिर मेरे को तुकबंदी का जो आया वो समझ में भाव वो अभी तक भी चल ही रहा है, शायद हमेशा चलेगा जी जी। फिर धीरे धीरे हमने शब्दों को पकड़ा जी। तो इस तरह से पढ़ने से ही हम सीख पाते। वाह मीना जी, एक कविता और सुनाया हमारे दर्शकों को आप, है ना? शीर्षक है मोहब्बत की। जमाने में मोहब्बत की गजल का हर जवाब है जी। जमाने में मोहब्बत की गजल का हर जवाब है वो, दिल के एहसासों की नजल का हर हिसाब है। वाह। दिल के एहसासों की नजल का हर हिसाब है, महफिल में उनके आने से रोशन पूरी कायनात। महफिल में उनके आने से रोशन पूरी कायनात, हमारे दिल के आसमान के आफ्ताब हैं। हमारे दिल के आसमान के आफ्ताब हैं। मोहब्बत हो इश्क दस्तूर हो, मोहब्बत हो इश्क दस्तूर हो, बहुत खूब निभाते हैं कि क्या बताएं हमारे दिल के नवाब हैं, कि क्या बताएं हमारे दिल के नवाब हैं। अनगिनत गीतों का सुरीला साज है, अनगिनत गीतों का सुरीला साज है, सभी जज्बातों की पूरी एक किताब है, सभी जज्बातों की पूरी एक किताब है। प्यार की इबादत उनके जैसी नहीं कोई जहां में, प्यार की इबादत उनके जैसी नहीं कोई जहां में, ख्वाबों ख्यालों का पूरा किस्सा लाजवाब है। ख्वाबों ख्यालों का पूरा किस्सा लाजवाब है। शायर बड़े ही कमाल के हैं जमाने में, शायर बड़े ही कमाल के हैं जमाने में, कि इश्क इजहार बेहिसाब है, कि इश्क इजहार बेहिसाब है। सभी ख्वाहिशों की एक तस्वीर बनाया है हमें, सभी ख्वाहिशों की एक तस्वीर बनाया है हमें, कहते हैं जागती रातों का खूबसूरत ख्वाब है, कहते हैं जागती रातों का खूबसूरत ख्वाब है वो। कहा जाता है इश्क जहाँ में ऐसा दिल नशी नहीं, कहा जाता है इश्क जहाँ में ऐसा दिल नशी नहीं, सुमी मोहब्बत की बारिश में भीगने को बेताब है, सुमी मोहब्बत की बारिश में भीगने को बेताब है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बढ़िया गजल आपने सुनाई मीना जी, बहुत अच्छा लिख रही है मीना जी। आप जिन काव्य गोष्ठियों से जुड़ी हो तो उसमें कई नवोदित साहित्यकार भी सामने आते हैं, जैसे ऑफलाइन, तो वहाँ जब आप काव्य गोष्ठी में सम्मिलित होती हो, सबकी रचनाएं, बड़े साहित्यकार भी आपके सामने बैठे होते हैं, तो उस समय आपको जो अपनी रचना प्रस्तुति आप देती हो तब कैसा एक मन में भाव जागृत होता है? बिल्कुल, उस टाइम लगता है कि कुछ हमसे नए हैं और कुछ हमसे बहुत पुराने और अनुभवी हैं, तो लगता है कि यहाँ से तो सीखना चाहिए, जो हमसे बड़े हैं पुराने हैं और बहुत ही मान्य हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा बोलते हैं, तो हम उनको ध्यान से सुनकर सीखने की कोशिश करते हैं जी। और जो नए अगर हमसे कभी मिलने आते हैं जी, बोलते हैं हमें भी कि हमें भी सीखना है जैसे, तो फिर मुझे अपना पहला दिन याद आता है कि मैंने कैसे लिखना शुरू किया था और मेरी किसने मदद की थी, कैसे की थी, तो मैं भी उनसे पूरा उनको मदद देती हूँ जी। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं भी अब वैसा कर सकती हूँ कि मैं भी थोड़ा सुधार करवा दूँ, किसी को अच्छा लिखवा दूँ, और कोई मेरे से पूछे तो मैं ज़रूर बताऊँ जी। जी मीना जी, जब गोष्ठियों में शामिल होते हो, जब अपनी जो लिखी हुई कोई चीज़ को कोई एक त्रुटि के रूप में देखता है, उसमें सुधारात्मक कोई कदम लाता है, तब एक जो साहित्य लिखने वाले को कैसा आभास होता है? जब हमें लगता है कि हमारी यहाँ पर कोई है करेक्शन है या कोई सुधार है, तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि अगर आपको लगता है जी सर मैं बिल्कुल करूँगी, जी मैम बिल्कुल मैं इसको सुधारूंगी, क्योंकि अगर हम गलती करते हैं तो सुधार हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, इससे हम डबल और आगे सीखते हैं कि अब हमें आगे से यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा, यहाँ पर भी भाव को समझना होगा, बिल्कुल, तो वो अच्छा लगता है। मैं नहीं मानती बुरा किसी भी बात का, मेरे को कोई सिखाने के लिए कहता है और नहीं, तो हम अपना पक्ष भी रख सकते हैं कि हमारा ये मतलब है, हमारा ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मीना जी, आपको कोई आपकी कोई बड़ी उपलब्धि साहित्य के रूप में, जैसे ऑनलाइन आपकी किताबें जो रचनाएं वगैरह प्रकाशित हुई हैं, उसमें कोई पुरस्कार आपको मिले हो तो बताएं आप दर्शकों को। अभी तक तो यही है कि मैं प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता, तृतीय विजेता जरूर रही हूँ। जी जी, तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं प्रथम भी आ सकती हूँ, और मेरी अभी तक 10 या 15 एंथोलॉजी हो चुकी हैं, तो उसमें मुझे ज़रूर मिलता है कुछ ना कुछ। और सबसे ज़्यादा मेरा काव्यान समूह से जुड़ना हुआ था, तो वहाँ से मुझे हर दिन लिखने के लिए पूरे साल भर जो मैंने लगातार लिखा उसके लिए मुझे गिफ्ट मिला था। बहुत बढ़िया, उन लोगों ने मुझे ऑनलाइन गिफ्ट भेजा था, और वो था पेन होल्डर और बुक होल्डर। बिल्कुल, तो बहुत खुशी होती है, उस उपहार को देखकर हमेशा संभाल कर रखती हूँ कि मेरा पहला उपहार है कि मैंने उपस्थिति दर्ज कराई वो मुझे। बिल्कुल, तो उससे उन लोगों ने भी सीखा कि हमें भी रोज लिख कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। मीना जी, आप कौन कौन से संगठनों से, साहित्य संस्थाओं से जुड़ी हुई हो? सबसे पहले काव्यधारा, मैंने बताया आपको, सबसे पहले वहाँ जुड़ी थी, फिर काव्यान समूह से जुड़ी हूँ, और मानसरोवर साहित्य अकादमी से जुड़ी हूँ। अभी वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो वो भी हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और दिव्य ज्योति है, और साहित्य सदन है, इस तरह से मैं काफ़ी समूहों से जुड़ी हूँ। जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ वहाँ तो ज़रूर लिखती हूँ, पॉसिबल हो जाता है, संभव हो जाए तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, घर के काम है, जॉब है, सबसे सही चलते फिरते भी कोशिश करती हूँ कि लिख ही लूँ यहाँ पर। जी जी, कई बार 10-15 मिनट में रचना बन जाती है। बिल्कुल, कई बार मेरी 2-3 दिन में बनती है या 1 दिन में बन जाती है, तो ये लिखने के अनुभव पर है कि आपका कितना आप समझ के लिख रहे हैं। जी जी, मीना जी, आपकी व्यस्तता यानी परिवार और फिर विद्यालय, इन सबके इतनी व्यस्तता के बावजूद आप कैसे अपना साहित्य लिख पाती हो? क्योंकि मन में एक विचार भी आना चाहिए, तभी भाव जब आएगा वही कागज में उतरा जा सकता है, तो कैसे समय आप इसके लिए? मैं रसोई में बर्तन जमा रही हूँ और मेरे बाल खुले हैं, मैंने ये पीछे क्या, और इस पे तो ये लाइन बन गई मेरी कि तुम बालों को पीछे करो और उस पे रचना बना दो, तो ये होता है। और कई बार विचार लगातार चल रहे हैं कि मैं सब्जी भी बना रही हूँ, आटा भी गूंथ रही हूँ, तो मेरे अंदर विचार आता है तो फिर लगता है कि अब इस पे लिख लूंगी, और एक लाइन से ज्यादा नहीं सोचती। अगर मैं एक लाइन से ज्यादा सोचती तो भूल जाती हूँ, फिर वो जो एक पंक्ति मेरी आती है लिखने में, तो उससे मैं और जोड़ती जाती हूँ। जी जी, तो वैसी एक रचना भी जरूर सुनाना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, सुनाइए आप, बिल्कुल सुनाइए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही पसंद आती है, हकीकत की जो चीज होती है उसका मजा ही अलग होता है। और मेरे बाल ऐसे मुंह पे आ रहे थे, तो मैंने कहा अरे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। जी जी, और वो आया था, विषय भी आया था लिखने के लिए कि एक बार फिर वो खुले बालों का मुंह पर आना, वो खुले बालों का मुंह पर आना, फिर हाथों से कानों के पीछे करना, फिर हाथों से कानों के पीछे करना, अपने लबों को कुछ रंगीन रखना, अपने लबों को कुछ रंगीन रखना, रुखसारों को ला शर्म से लाल रखना, मेरी सांवली सूरत यूं निहारते रहना, एक बार फिर तुम्हारा वो प्यार बड़ा याद आया। वो खुले बालों का मुंह पर आना, फिर हाथों से कानों से पीछे करना, अपने लबों को कुछ रंगीन रखना, रुखसारों को ला शर्म से लाल रखना, मेरी सांवली सूरत यूं निहारते रहना, एक बार फिर तुम्हारा वो प्यार बड़ा याद आया। कभी कभी बातों को मेरी सुनते रहना, कभी कभी बातों को मेरी सुनते रहना, कभी मेरी खामोशी को भी समझना, कभी जो कोई गीत गुनगुनाऊं अपने दुपट्टे को उंगली में लपेट कर, कभी जो कोई गीत गुनगुनाऊं अपने दुपट्टे को उंगली में लपेट कर, एक बार फिर तुम्हारा वो मुझे नज़र भर देखना बड़ा याद आया। बहुत बढ़िया, हर दफ़ा मेरी निगाहें तुम्हें ही तलाशती, हर दफ़ा मेरी निगाहें तुम्हें ही तलाशती, तुम्हारे आने से मेरी सांसें महक जाती, हर शाम चेहरे पर तेरा ही पहरा होता, हर शाम चेहरे पर तेरा ही पहरा होता, निगाहों में मेरी सिर्फ तेरा ही चेहरा होता, एक बार फिर तुम्हारा मेरे अरमान सजाना बड़े याद आया, एक बार फिर तुम्हारा मेरे अरमान सजाना बड़ा याद आया, एक बार फिर मेरा शर्माना तेरा वो मुस्कुराना बड़ा याद आया, एक बार फिर तेरा वो मेरा नाम पुकारना सुमी बड़ा याद आया।
बहुत बढ़िया, बहुत हकीकत की जो रचना यदि भाव में मतलब मन में आती है तो वह रचना वास्तव में एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करती है अपने लिए। मीना जी, आप शिक्षिका भी हैं, बच्चों के नज़दीक रहती हो, छोटे बच्चे जो आपके, तो आप बाल साहित्य पे भी कुछ लिखना का आपका मन है क्या? आप मानते हैं? है, मैंने दो रचनाएं भी लिखी हैं, और भी लिखने की वो रहती है कि बच्चों पर भी लिखूं। एक तो पानी पर लिखी थी मैंने कि पानी कैसे बचाएं बच्चे, जी जी। और अभी होली आई पे लिखा था, एक आया था एंथोलॉजी रंगीन, इस पे रंग बिरंगी, तो कईयों ने होली के रंग पर लिखा था तो मैंने होली पर ही लिखा था बच्चों के लिए। बिल्कुल, होली आई, होली आई, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज बचपन जो है वो बाल साहित्य से दूर होता जा रहा है, क्योंकि अब पहले तो कहानियाँ सुनते थे, कविताएँ छोटी छोटी बच्चों को वो खेल खेल में सीख जाते थे, तो इस पर आप आपका आपकी कूची चलेगी क्या मानती है आप? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की यादें, मैंने एंथोलॉजी में भी पार्ट किया था, वहाँ पर मैंने बचपन पर ही सारी वो रचना लिखी थी, तो साथ साथ मेरा यही रहता है कि मैं कोशिश करूँ कि हर शीर्षक पर हर विषय पर लिख सकूँ, तो लेख भी लिखने के लिए आते हैं तो मैं वो भी लिखती हूँ, और इस तरह से मेरा साहित्य से जुड़ना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात हो जाती है। जी जी मीना जी, क्या मानना है आपका कि आपका जो साहित्य सृजन है ये अनवरत जारी रहेगा, या मतलब व्यस्तता की वजह से इसको थामना पड़ेगा, क्या मानती है? कभी आता है, कभी आता भी है कि कहाँ कैसे लिखूं, पर नहीं, चाहे 12 बजे तक भी देनी है तो नींद खराब करके भी मैं लिखती जरूर हूँ, और कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं जुड़ी रहूँ, नहीं छोड़ूँ इसको। अगर मैं एक दिन भी छोड़ देती हूँ तो फिर लगता है नहीं नहीं मुझे ये भूल जाऊँगी, मैं लिख लूँ। जी जी, तो लिखना मेरा बहुत बड़ा मतलब जुनून होता जा रहा है, एक पेशन होता है जैसे, जी जी, तो ज़रूर मैं पूरा करती रहूँगी। बिल्कुल मीना जी, आप जो जो साहित्य सामने लाना चाहेंगे तो समाज के लिए क्या संदेश आपका रहेगा उन रचनाओं में आपकी? ये रचनाएं हमारी संदेश रूप ही होती हैं अधिकतर, अगर हम सामाजिक विषय पर लिखते हैं तो उसमें नारी स्वाभिमान आ गया, पुरुष पर भी आ गया, क्योंकि पुरुष का रोल भी सब में बहुत ज़्यादा, जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती जी है जी। तो एक आया था शीर्षक है पुरुष तुम्हें रोना नहीं, तो उस पर भी मैंने दो पार्ट लिखे थे, एक तो रोने पर भी लिखा था और क्यों रोना है वो भी जी लिखा जी था, तो वो भी मेरे ये रहता है कि समाज में ये कि पुरुष का भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे जीवन से कितने पुरुष जुड़े रहते हैं, जी जी, चाहे हस्बैंड हो, फादर हो, हमारे चाचा हो, मामा हो, भाई है, तो सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जहाँ नारी पर लिखते हैं तो हमें पुरुष पर भी लिखना आना चाहिए। जी जी, तो ये संदेश रहता है कि सबका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो हमें सबके लिए लिखना ज़रूरी है। जी, बहुत ही अच्छा। जाते जाते एक कविता और हमारे दर्शकों को सुनाइए आप। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, सारे जगत को धर्म की डगर पर चलाने वाले, सारे जगत को धर्म की डगर पर चलाने वाले, नर नारी सभी को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले, नर नारी सभी को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले, वो तो पूरे विश्व में भगवान श्री राम कहलाए, वो तो पूरे विश्व में भगवान श्री राम कहलाए, चाहे मित्र हो, चाहे हो सेवक, या हो कोई परिवारजन, सबको देखा समदृष्टि से, न्याय प्रिय सदा कहलाए, बस एक वही तो प्रभु राम कहलाए, सीता माता को हृदय में बसाया, वनवास 14 वर्ष का अपनाया, कितनी कठिनाई से अपना जीवन बिताया, वो ही श्रेष्ठ राजा राम कहलाए, हनुमान को पुत्र, सुग्रीव और केवट को मित्र बनाया, विभीषण को पूज्य शिष्य बनाया, घटघट वासी हैं ऐसा अपने आप को चरितार्थ कराया, वो ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कहलाए, कौशल्या दशरथ के बड़े पुत्र कहलाए, केकई के राज दुलारे कहलाए, अयोध्या वासी के हर घर हर घट बसे, वो ही हम सभी के प्यारे प्रभु श्री राम कहलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ साहित्यकार मीना रावलानी जी। मीना रावलानी जी का मानना है कि ये साहित्य, इनका लेखन अनवरत जारी रहेगा, शीघ्र ही इनकी एक काव्य संग्रह आने वाली है, वो बहुत जल्दी आप सबके बीच में होंगी, प्रथम जो प्रकाशन होगा उसमें 35 कविताएं इनकी
उसमें संकलित होंगी। साथ ही उन कविताओं को जो समाज के लिए एक संदेश परक है वह जरूर आपके सामने आएगी। और ये इनका मानना है कि ये कहानी भी लिखना चाहेंगे जिसमें यथार्थ और कल्पना दोनों का बहुत समावेश होगा। ये आज हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने।